नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने 5 को रौंदा, पति पत्नी की हुई मौत, 3 की हालत गंभीर। नए रेंज DIG सुजीत कुमार ने पदभार किया ग्रहण। विधि व्यवस्था और जाम की समस्या के निदान को बताया पहली प्राथमिकता। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर किया हमला, कहा घोटाले के लिए हो रहा है नए योजनाओं का निर्माण। ड्यूटी के दौरान वायरलेस ऑपरेटर के पद पर तैनात पुलिसकर्मी की हुई मौत, साथी पुलिस जवानों ने पुलिस केंद्र में दी श्रद्धांजलि। और अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को लेकर जिले भर में चलाया जा रहा है सघन वाहन चेकिंग अभियान। अब समाचार विस्तार से। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार की सुबह भागलपुर में भीषण सड़क हादसा हुई, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सबौर थाना क्षेत्र के मसादू पुल के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने 5 लोगों को रौंद डाला, जिसमें पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सबौर थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। रेंज के नए DIG सुजीत कुमार ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के पूर्व पुलिस उपमहानिरीक्षक को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद DIG सुजीत कुमार सीधे अपने चैम्बर गए और प्रभार ग्रहण किया। वहीं DIG ने SSP आशीष भारती, CTSP सुशांत कुमार सरोज समेत सभी अधिकारी और मीडिया कर्मियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। हम आपको बता दें कि इसके पूर्व विकास वैभव 56वें रेंज DIG थे और 1 जनवरी को सरकार ने अधिसूचना जारी कर विकास वैभव को पटना ATS का DIG बना दिया, जबकि पटना रेल SP सुजीत कुमार को प्रोन्नति देकर भागलपुर का नया DIG बनाया। वर्ष 2008 में सुजीत कुमार भागलपुर में प्रशिक्षु SP के रूप में कार्य कर चुके हैं। सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद नए DIG ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जिले में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है। DIG सुजीत कुमार ने कहा कि भागलपुर में जाम की समस्या से निजात के लिए सामूहिक प्रयास किया जाएगा, साथ ही पुलिस उपमहानिरीक्षक ने बेहतरीन पुलिसिंग का भरोसा दिलाया। मौके पर SSP आशीष भारती, CTSP सुशांत कुमार सरोज, CT DSP राजवंश सिंह, DSP लॉ एंड ऑर्डर निसार अहमद शाह समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। आपने पूछा कि क्या प्राथमिकताएं यहाँ की पुलिस की होंगी, तो पूरे भागलपुर रेंज में जो क्राइम प्रिवेंशन को लेकर जो काम चल रहा है उसको और बेहतर तरीके से करना, ये हम लोगों का नए साल में लक्ष्य होगा। इसके अलावा जो पुलिस पब्लिक जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करना, उसके लिए और प्रयास करना कि वो बेहतर हो। लोगों की समस्याएं जो ग्रीवेंस रिड्रेसल जो पहले इस कार्यालय के द्वारा उसको किया जा रहा था उसको आगे भी कंटिन्यू करना, और जो भी केसेस हैं जो सेंसिटिव केसेस हैं उनके इन्वेस्टिगेशन में और ज़्यादा वैज्ञानिक माध्यमों का इस्तेमाल करना, बेहतर अनुसंधान करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों की प्राथमिकताएँ हैं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र कुमार सोमवार को भागलपुर पहुंचे, जहां जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार प्रगति की राह भटक गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार 27वें पायदान पर है, तो वहीं शुद्ध पेयजल के मामले में 17वें नंबर पर है। इस दौरान भाई वीरेंद्र कुमार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार देश और दुनिया में कई बार शर्मसार हो चुका है। वहीं उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार 38 से ज़्यादा घोटाला कर चुकी है, फिर भी सुशासन बाबू का मोहर लगाकर घूम रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार घोटाले करने के लिए नई योजनाओं का निर्माण करती है। जल जीवन हरियाली एक ऐसी ही योजना है जिसमें अरबों रुपए का घोटाला किया गया है। इसके बाद भाई वीरेंद्र कुमार पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले और संगठन को मजबूत करने के लिए उनको प्रेरित किया। मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु सहित राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको एक और सुनकर आश्चर्य होगा कि देश में टैक्स लगता है, बिहार में भी टैक्स लगता है, लेकिन बिहार में एक नया टैक्स लग रहा है जिसका नाम RCP टैक्स है,
बिना आरसीपी टैक्स दिए बिहार की जनता कहीं नहीं जा सकती, चाहे वो पदाधिकारी हो, पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे आम आवाम हो, और उसको टैक्स देना है। और ये टैक्स बड़ा नामी है, विधानसभा में भी इसको मैंने रखा था, बड़ी हंगामा हुआ था आरसीपी टैक्स के मामले में। और ये सरकार विरोधी पक्ष के, चाहे वो राजद का मामला हो, कांग्रेस का मामला है, चाहे और कई पार्टियां हैं हमारे महागठबंधन के, उनके बड़े नेताओं की हत्या भी कराई जा रही है। भागलपुर में वायरलेस ऑपरेटर के पद पर तैनात ददन राम की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से रविवार को मौत हो गई, जिसको लेकर सोमवार को पुलिस केंद्र में शोक सभा का आयोजन कर मृतक पुलिसकर्मी को साथी पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मृतक पुलिसकर्मी पटना जिले के अखोरी गांव के रहने वाले थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने शोक संवेदना प्रकट करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि मृतक के परिजनों को हर संभव मदद की जाएगी। एक भागलपुर जिला के सब इंस्पेक्टर ददन राम जी, जिनको हार्ट अटैक के कारण जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको आज श्रद्धांजलि भागलपुर पुलिस के द्वारा दिया गया है। मैं सभी जो उनके परिवार के लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको भगवान शक्ति दे ताकि वो इस ये जो घटना घटित हुई है उससे वो उबर सकें तथा उनकी आत्मा को, ददन राम जी की आत्मा को शांति। ऑफिस से काम से जाते समय ऑटो से उतरे और उतरने के साथ ही मतलब बेचैनी जैसा महसूस किया, उनके शरीर से बहुत पसीना चलने लगा। फिर इनके सहयोगियों ने जानकारी दी कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि मेजर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु पहले ही हो चुकी है। जिले में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को लेकर सोमवार को शहर में जगह जगह पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान हर चौक चौराहों पर पुलिस अधिकारियों ने वाहन की तलाशी ली, साथ ही वाहन के कागजातों की भी जांच की, जहां यातायात नियम का पालन नहीं करने वालों पर चालान भी किया गया। साथ ही पुलिस वालों ने सभी को यातायात नियम का पालन करने की हिदायत दी। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान के समर्थन में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला का निर्माण होगा, जिसको लेकर सोमवार को कहलगांव अनुमंडल के सीआरसी अरार परिसर में प्रखंड के विभिन्न सरकारी विद्यालय के प्राचार्य, सीआरसीसी, टोला सेवक एवं तालीमी मरकज के स्वयं सेवकों की बैठक हुई। बैठक में मानव श्रृंखला निर्माण को सफल बनाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान सनहौला बीडीओ अरविंद कुमार ने कहा कि सभी के सहयोग से ही जन सरोकार से जुड़ा अभियान सफल होगा। वीडियो ने सभी लोगों से मानव श्रृंखला में भाग लेने की अपील की। वहीं वक्ताओं ने कहा कि जब तक जल और हरियाली है तभी तक इस पृथ्वी पर मानव जीवन सुरक्षित है। सोनौला प्रखंड पूर्वी क्षेत्र में 8 किलोमीटर के दायरे में मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। मौके पर सोनौला CDPO पूनम कुमारी, अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला, प्रकाश वर्मा, संदीप कुमार, अजीत कुमार, अर्जुन केसरी, सुभाष चंद्र पासवान, मोहम्मद यासीन, सुनील कुमार सहित कई शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ मौजूद थे। सभी टीम लीडर, सेक्टर ऑफिसर और जनरल ऑफिसर जो भी सभी लोगों को बुलाया गया था, सभी लोगों को जल जीवन हरियाली के महत्व के बारे में बताया गया तथा की जाने वाली की ओर के तैयारियों का ब्यौरा दिया गया और सभी लोगों ने इसको हर तरह से सफल बनाने हेतु प्रण लिया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, CBSE कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।
23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी रिसेप्शन पार्टी एवं अनेक आयोजनों में चार चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर टीएनबी कॉलेज में सोमवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। 7 दिवसीय शिविर के पहले दिन डेंगू के कारण एवं निवारण विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद ने की। एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर डीपू महतो समेत कई शिक्षकों और चिकित्सकों ने अपनी बात रखी और टीएनबी महाविद्यालय में चल रहे एनएसएस के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। प्रतिकुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना में अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को जोड़ने की जरूरत है। मौके पर डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर माधवी सिंह ने छात्रों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए। वहीं आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय एवं पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय चौधरी ने डेंगू के लक्षण आने पर डॉक्टर से परामर्श लेने की बात कही। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा कि 7 दिनों तक चलने वाले शिविर में स्वयंसेवकों को समाज में जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आई से फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट सिम्टम्स ऑफ द डेंगू, द मेन सिस्टम, द मेन सिम्टम्स ऑफ द डेंगू इंप्रूव, एकिंग मसल एंड जॉइंट्स, बॉडी रेस, हाई फीवर, हेडेक, pain behind the eyes, nausea and vomiting, the symptoms disappear after a week, and so far as the dengue fever is concerned, it is caused by any one of the 4 types of the dengue viruses spread by mosquitoes that thrive in and around human lodgings. आज का यह कार्यक्रम हमारे रेगुलर एक्टिविटी के अतिरिक्त एक स्पेशल कैंप लगाया गया है जो अगले 7 दिनों तक एनएसएस वॉलेंटियर को उसके व्यक्तित्व के विकास में समाज के प्रति जिम्मेदारी के संबंध में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। उसी क्रम में आज इस विशेष शिविर का आरम्भ एक संगोष्ठी से किया गया है जिसमें इस क्षेत्र में जो छात्रों को, महिलाओं को, बच्चों को डेंगू का बीमारी होता है उसके कारण और निवारण के लिए हम शहर के गणमान्य चिकित्सकों को बुलाए हैं। तुलसी सामाजिक संस्था की ओर से 11 जनवरी को भागलपुर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा जिसमें 10 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएशन और 21 वर्ष की उम्र में मुंबई IIT के प्रोफेसर बनने वाले तथागत तुलसी अवतार मुख्य वक्ता होंगे। रविवार को नाथनगर स्थित विवाह भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संस्था के संयोजक आलोक कुमार पाठक और अध्यक्ष शंभू शंकर सिंह ने विस्तार पूर्वक कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भागलपुर कॉन्क्लेव का आयोजन 2 सत्रों में होगा। पहले सत्र में तथागत अवतार तुलसी का संवाद जबकि दूसरे सत्र में तुलसी व्याख्यान माला का आयोजन होगा। मौके पर राणा झा, अजय डोकानिया, विनोद विश्वास, मनमोहन जोशी, राघव लकी राज सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। शहर भागलपुर की एक समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तुलसी सामाजिक संस्था का एक ये छोटा सा प्रयास है भागलपुर कॉन्क्लेव के रूप में। भागलपुर कॉन्क्लेव सार्वजनिक मुद्दे पर एक सहभागी मंच है स्वस्थ परिचर्चा के लिए, जिसमें आम लोगों को लगता है कि ये मेरा मंच है। इससे पूर्व भी यंग वॉइस फॉर न्यू इंडिया या स्मार्ट सिटी के लिए जब जब कॉन्क्लेव अलग अलग साल में अलग अलग विषयों को उठाती है तो वो विषय पर आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए इस बार तथागत अवतार तुलसी को बुलाया गया है। भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार एवं नोडल एजेंसी मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय की निगरानी में चल रहे फ्री कोचिंग के तहत सीटेट परीक्षा में सफल 45 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
मौके पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राहुल कुमार, प्राचार्य डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने सफल छात्रों को बधाई दी और कम संसाधन में बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही। मौके पर डॉक्टर तनवीर आलम, मुकर्रम खान, सैयद सरवर अली हाशमी समेत शिक्षक और छात्र छात्रा मौजूद थे। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल भागलपुर में शनिवार 11 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर स्कूल प्रशासन की ओर से एक टेस्ट आयोजित की जाएगी, जिस टेस्ट में पास होने वाले छात्र एवं छात्राओं का नामांकन बिल्कुल मुफ्त होगा। स्कूल के निदेशक संजय पासवान ने बताया कि 11 जनवरी को स्कूल की स्थापना हुई थी, इसी वजह से इस दिन को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा और नामांकन मुफ्त किया जाएगा। और नए साल की ढेर सारी बधाई आप अभिभावकों को और बच्चों को भी। नए साल में हमने अपने स्थापना दिवस पर यानी दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना दिवस पर 11 जनवरी को हमने टेस्ट रखा है, जिसमें बच्चों के लिए हमने एडमिशन चार्ज फ्री रखा है। जो भी बच्चे हैं, जैसे ही बच्चे उनका टेस्ट अगर हो गया और वो पास कर जाएंगे टेस्ट में, तो उनको हम लोग फ्री एडमिशन लेंगे। ये सिर्फ 11 जनवरी का है, क्योंकि उस दिन स्कूल की स्थापना हुई थी, इसलिए हम लोगों ने उस दिन को एडमिशन फ्री रखा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो काइंडली 11 जनवरी को आ जाएं, इससे कि ये लाभ आपको मिल पाए। ऑनलाइन ट्रेड और ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से भारतीय खुदरा बाजार में काफी क्षति पहुंच रही है, जिसके प्रभाव से रिटेल बाजार की हत्या हो रही है। इसी के विरोध में ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन एवं कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड के संयुक्त बैनर तले आंदोलन किया जा रहा है। खुदरा बाजार को खत्म करने और रिटेल बाजार की हत्या के षड्यंत्र के खिलाफ संयुक्त मोर्चा की ओर से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 8 जनवरी को महाअधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए भागलपुर से भी कई रिटेलर एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड के सदस्य दिल्ली के लिए सोमवार को रवाना हुए। भागलपुर मोबाइल विक्रेता संघ की ओर से हम लोग आज जमा हुए हैं और पूरे भारतवर्ष में 25,000 रिटेलर आज के 8 तारीख के लिए जो जमा हो रहे हैं। हम लोग की मेन बात है कि जो है ई कॉमर्स जितनी भी कंपनियां हैं वो FDI का जो है उल्लंघन कर रही है। आज भागलपुर से सभी लोग दिल्ली के लिए जा रहे हैं। भागलपुर दिल्ली के रामलीला मैदान में 8 जनवरी को एक महाअधिवेशन होने वाला है। जो हमारी समस्या है मोबाइल रिटेल में, उस समस्या को हम लोग अपनी सारी सरकार के सामने रखेंगे और हम लोग अपनी मजबूती से अपना बात मनवाएंगे। हम लोग भागलपुर के चंपानगर स्थित मदरसा अरबिया दारुल कुरान में सोमवार को मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने बच्चों को खुराक पिलाकर किया। इस दौरान इलाके के दर्जनों बच्चों का टीकाकरण किया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के तहत जहां पर टीकाकरण कम है, उस जगह को चिन्हित कर टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में टीकाकरण के लिए 24 जगहों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण से बच्चों को 12 तरह की बीमारियों से बचाया जाता है। मौके पर निगरानी चिकित्सा पदाधिकारी शुमालिया घोष, रीजनल कोऑर्डिनेटर निगार कौसर, अमित कुमार, गोपाल शंकर चौधरी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पीताम्बर सिन्हा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। IMI इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चल रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जहाँ पे हमारा टीकाकरण कम है, उस जगह को चिन्हित किया गया है और ये स्पेशली उस जगह के लिए है जहाँ पे टीकाकरण का कवरेज लो है। पूर्ण प्रतिरक्षण, संपूर्ण प्रतिरक्षण का कवरेज जहाँ पे लो है, उस जगह को चिन्हित करके और पूरे अर्बन में हम लोग 24 साइट ऐसा चुने हैं जहाँ पे वो रिफ्यूजल भी था और कवरेज भी कम था, तो इसको IMI के तहत हम लोग कवर कर रहे हैं। यूको बैंक का 77वां स्थापना दिवस को लेकर सुल्तानगंज यूको बैंक शाखा में गरीब छात्र छात्राओं को कॉपी कलम वितरण कर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सीनियर मैनेजर आनंद कुमार सिंह और असिस्टेंट ब्रांच हेड रश्मि रंजन के नेतृत्व में बैंक परिसर को फूल और गुब्बारों से सजाया गया और पेंशनर मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्य में नगर परिषद सभापति नीलम देवी, उपसभापति उषा देवी सहित काफी संख्या में यूको बैंक के ग्राहकों ने शिरकत किया। वहीं सीनियर मैनेजर आनंद कुमार सिंह ने बताया कि हमारी कोशिश अधिक से अधिक लोगों को सहायता प्रदान करने की होती है। खासकर यूको बैंक सुल्तानगंज शाखा किसानों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है। मौके पर रविंद्र झा, अभिषेक कुमार सहित काफी संख्या में बैंक कर्मी व ग्रामीण मौजूद थे। यूको बैंक अपना 77वां वर्षगांठ मना रहा है। 6 जनवरी 1943 को यूको बैंक की स्थापना कलकत्ता में की गई थी घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा। आज हम लोग इस अवसर पर यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सुल्तानगंज नगर परिषद की चेयरमैन एवं उप चेयरमैन तथा हमारे जो भी प्रेफर्ड कस्टमर थे, सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था।
उसके बाद यहाँ पे पास के स्कूल से गरीब बच्चों के बीच कॉपी पेन कलम उसके बाद कंपास बॉक्स वगैरह का वितरण किया गया तथा ग्राहकों के द्वारा जो सुझाव दिया गया उसे भी नोट किया गया तथा हम लोगों के द्वारा एक अच्छी से अच्छी सर्विस दिया जाए सुल्तानगंज के ग्राहकों को इसका भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लोगों का मुख्य जो कार्यक्रम था वो बैंक का जो है स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो हमारे बैंकिंग को जाने, अवेयर हो और बैंक में जो भी सरकार के द्वारा जो भी कैंप चलाया जाता है, जो भी स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई जाती है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को अवेयर किए। मुख्य मेरा मेन मुद्दा हम लोगों का मेन मुद्दा था कि जो सरकार का स्कीम है उसके बारे में ये लोग अवेयर हो। और इन्होंने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है ये बहुत ही फायदेमंद है यहाँ के ग्रामीणों के लिए, जो यहाँ के खाता धारक हैं या जो खाता धारक नहीं भी हैं, ठीक है, उनके लिए भी कि जो भी है जो समय समय पर जो है यहाँ योजनाएं लाई जाती है बैंकों के द्वारा और सरकार के द्वारा, उससे खाता धारक भी लाभान्वित होंगे। सर बैंक तो यहाँ बहुत है लेकिन इस बैंक में जो संतुष्टि मिलती है सर वो अदर बैंक में नहीं मिलता है सर। यहाँ हर एक तरह से जो भी काम रहता है तुरंत कर दिया जाता है। और बैंक का द्वारा तो ऐसे मतलब मिलता है जैसे लोन वोन और कोई चीज़ जैसे मदद करता है, कर्मचारी बहुत से हैं तो जैसे फार्म वर्म भी भर देते हैं और बहुत से मतलब लाभ होता है। पीरपैंती के ओलापुर गांव में पूर्व मुखिया स्वर्गीय लखन लाल झा की पुण्य स्मृति में गरीब एवं जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ और राष्ट्रीय महिला जागरण समिति की ओर से 500 कंबल का वितरण गरीब एवं असहाय लोगों के बीच किया गया। पीरपैंती विधायक रामविलास पासवान ने कहा कि संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान के द्वारा कई वर्षों से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है जिसमें काफी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। मौके पर अनुराधा खेतान, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, राजद अध्यक्ष रंजीत शाह, मुखिया दिलीप पासवान, बीडीओ रज्जन लाल निगम, सीओ नागेंद्र कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कहलगांव अनुमंडल के रसलपुर थाना क्षेत्र स्थित धनौरा में सोमवार को यूको बैंक का 77वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शाखा प्रबंधक संतोष मंडल के नेतृत्व में ब्राह्मणों के द्वारा बैंक परिसर में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद सभी बैंक कर्मियों और ग्राहकों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। शाखा प्रबंधक संतोष कुमार मंडल ने बताया कि 6 जनवरी 1943 को यूको बैंक की स्थापना हुई थी। वहीं शाखा प्रबंधक ने कहा कि ग्राहकों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मौके पर पीयूष कुमार, गिरधर मंडल, गिरमोहन रजक, उत्तम चौबे, जीप प्रतिनिधि अंकित सिंह, राजन समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सोनौला प्रखंड के बोड़ा पाटकडी पंचायत में सोमवार को स्वर्गीय सुखराज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन कहलगांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नीरज कुमार मंडल ने फीता काटकर किया। उद्घाटन मैच डोवी टीम और पाठक डी के बीच खेला गया, जिसमें पाठक डी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 134 रन बनाए, जबकि डोवी टीम ने 6 विकेट खोकर 14 ओवर में 135 रन बनाकर जीत हासिल की। टूर्नामेंट के आयोजक गोपाल मंडल ने कहा कि टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया है, जिसका फाइनल 26 जनवरी को खेला जाएगा। मौके पर अमडंडा थाना प्रभारी अरविंद कुमार, अंपायर संतोष कुमार, सुमन कुमार, कमलकांत कुमार सहित कई क्रिकेट प्रेमी व खिलाड़ी मौजूद थे। यह सुखराज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्राउंड है जो कि 20 साल से यहाँ पर क्रिकेट हो रहा है और आज यहाँ पर जो 20वीं शताब्दी का मैच है, 20वीं चैलेंज कप का, यहाँ पर पाठक भी वर्सेस डोबी के बीच यह ओपनिंग मैच है। आज यह मैच हो रहा है और इसका फाइनल 27 जनवरी को होता है, क्योंकि धूमधाम से यहाँ के ग्रामीणों द्वारा, यहाँ के कमिटियों द्वारा मनाया जाता है। और अंत में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने 5 को रौंदा, पति पत्नी की भी मौत, 3 की हालत गंभीर। नए रेंज डीआईजी सुजीत कुमार ने पदभार किया ग्रहण, विधि व्यवस्था और जाम की समस्या के निदान को बताया पहली प्राथमिकता। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर किया हमला, कहा घोटाले के लिए हो रहा है नए योजनाओं का निर्माण। ड्यूटी के दौरान वायरलेस ऑपरेटर के पद पर तैनात पुलिसकर्मी की हुई मौत, साथ ही पुलिस जवानों ने पुलिस केंद्र में दी श्रद्धांजलि। और अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को लेकर जिले भर में चलाया जा रहा है सघन वाहन चेकिंग अभियान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।